समय हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि 366 जौनपुर सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने अरशद खान को प्रत्याशी बनाया है, उनके लिए जन जन से संपर्क कर रहे हैं यहाँ के चेयरमैन वसीम साहब। उनसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो लगातार जन जन से संपर्क कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में जहाँ पर वो जा रहे हैं क्या संदेश मिल रहा है, और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जन जन से संपर्क कर रहे हैं। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के हमारे 366 विधानसभा सदर के माननीय पूर्व विधायक अरशद खान साहब आज नगर पंचायत खेतासराय में हम लोगों ने जनसंपर्क किया। जो उनका जनसंपर्क हुआ यहाँ से लेके आपके मेन चौराहे से लेके पूरी डोर टू डोर दुकानों पर जाके हम लोगों ने जनसंपर्क किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो पब्लिक का, यहाँ की जो जनता है, एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट कर रही है, और जहाँ तक नगर पंचायत खेतासराय की बात है, समाजवादी पार्टी के हमारे आठ जो है सभासद हैं, और मैं 3 बार का चेयरमैन हूँ। मैं सभासद का आपने नाम लिया, ऐसा कहा जाता है सभासद जो है कि शाहगंज विधानसभा में शैलेंद्र यादव ललित प्रचार में लगे हुए हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा था आज। सुनिए, जहाँ तक प्रचार की बात है, मैं शाहगंज शैलेंद्र यादव ललई के भी प्रचार करता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे पार्टी के हैं और जीत रहे हैं, अच्छे वोट से जीत रहे हैं। और अरशद खान भी समाजवादी पार्टी के हैं, और ये भी पूर्ण बहुमत से अच्छे वोट से, लाखों लाखों वोट से ये जीतेंगे। जो चार किसानों को रौंद दिया गया, ये क्या गुंडा राज नहीं है? ये भी तो गुंडा राज है। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, मिश्रा टेनी उनके पिताजी टेनी वो भी जो है गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी पद पर बने हुए हैं। बिल्कुल वो भी तो गुंडे हैं, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चलता? ये एक तरफा सिर्फ समाजवादी पार्टियों के ऊपर गुंडा चलता है, ये जनता देख रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और पूर्ण बहुमत से 300 पार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। आपने जैसा कहा, एक ही वर्ग के लोगों पर, यानी कि आपका इशारा आजम खान मुख्तार अंसारी अतीक अहमद पर था। किसी के लिया नहीं, एक वर्ग, जैसे आपके विपक्ष से बार बार जो है बीजेपी की तरफ ये हमला बोला जाता है, बृजेश सिंह, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है, जबकि ठाकुरवाद का भी आरोप लगाया जाता है आपकी तरफ से, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ये जनता समझ रही है, ये जनता पूरे प्रदेश की देख रही है। अब पूरे प्रदेश में 4 चरण का आज चुनाव हो गया है, चारों में बीजेपी साफ है, और समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। चारों आज जो चुनाव हुआ, 4 चरण का, इसमें 150 से पार समाजवादी पार्टी। जैसे कि कांग्रेस ने पहले फैसल हसन तबरेज को यहां से उतारा था, लेकिन इस बार अपने पूर्व अल्पसंख्यक के अध्यक्ष नदीम जावेद को मैदान में उतारा है, और वो दावा कर रहे हैं इस बार बड़े दमखम के साथ हम जन जन से जो है संपर्क करें, और बड़ा जो है कि समर्थन मिल रहा है, बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कि ये पार्टी की, उनके पार्टी, ये कांग्रेस की पार्टी के कौन किसको लड़ा रहे हैं, किसको लड़ा नहीं, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन नदीम जावेद साहब 2012 में वो विधायक हुए, विधायक होने के बाद 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल के उनको लड़ाई, हम लोग सारे लोग पूरे समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट की, सपोर्ट करने के बाद जब उनके पास गठरी तब तो वो जीते नहीं। आज उनके पास कौन सा बेस वोट है? उनके पास कोई बेस वोट नहीं है, लेकिन हमारे विधायक मोहम्मद अरशद खान के पास बेस वोट है। उनको मौर्या समाज, राजभर समाज, बिन समाज, अदर जितने भी हैं, जितने भी वोट हैं सब उनको मिल रहे हैं। अब यादव समाज 100% वोट कर रहा है, मुस्लिम समाज वो भी वोट कर रहा है, क्योंकि हम लोग बेस वोट, जिनके पास बेस वोट, जैसे समाजवादी पार्टी के पास, अरशद खान के पास बेस वोट है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि भारी बहुमत से वो जीतेंगे चुनाव इस बार। ऐसा देखा गया था कि नामांकन के दिन तेज बहादुर मौर्य पक्कूपू और अरशद खान ने दोनों ने नामांकन किया था, तो इसके पीछे क्या था? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय था, जो जैसे पप्पू मौर्या भी, वो भी तो समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नामांकन उन्होंने कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जिसको लड़ाना चाहेंगे वही लड़ेगा, तो वो अच्छा समझे होंगे, इसलिए जो है अरशद खान को टिकट मिला। और पप्पू मौर्या भी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा समाज, मौर्या समाज भी सपोर्ट कर रहा है अरशद खान को। MIM के समर्थक हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी खुद भरे मंच से ये कहते हैं कि मुसलमानों को केवल समाजवादी ने गिलास और बोतल की तरह इस्तेमाल किया है,
मुसलमानों को मंच से धक्का दे दिया जाता है, मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। इस पर आप एक युवा हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे असद भाई से ये कि एक बार जिन्ना भी ऐसे ख्वाब दिखाए थे कि चलिए हिजरत करते हैं, मक्का छोड़ मदीना वाली कहानी सुनाए थे, और वो अहमदिया मुसलमान थे जिन्ना जी ने, वो हिजरत के नाम पे तसव्वुर कराए लिया के गए, पाकिस्तान बना दिए, दो फाट हिंदुस्तान का कर दिए। अब वही रहा अरशद भाई की हमें दिख रही है, अरशद भाई एक बालिस्टर है, बशर्ते उनके मालूमात होना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे 800 साल मुगलों ने राज किया, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, यहाँ पे 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, 1925 में जिन्ना जी ने आरएसएस की संस्थापना की, आरएसएस ने हिंदू मुस्लिम किया, जिन्ना जी ने किया, वही बीज वैसी सब बो रहे हैं, क्या उसमें फ़र्क पड़ेगा? हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना। विकास की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव विकास जी के साथ हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद थे खेतासराय नगर पालिका अध्यक्ष, तो यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी के विधानसभा अध्यक्ष गजराज यादव मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या संदेश मिल रहा है, जन जन संपर्क करें, क्या संदेश मिल रहा है? सभी जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। 10 आने वाले 10 तारीख को जनता इस सरकार के मुखिया को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जवाब देने जा रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में दोबारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। आप एक यादव जाति से आते हैं, नदीम जावेद के समर्थकों से ये कहा सुना जाता है आजकल कि यादव अरशद खान को वोट नहीं देंगे, गिरीश अपने बिरादर पर जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये बेवकूफाना बयान है, ये बहुत बचकाना बयान है। समाजवादी पार्टी का बेस ही वही है, और जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं है, जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं, इसलिए सभी जातियों का पूर्ण समर्थन लेके आने वाले 10 तारीख को हम माननीय अरशद खान को जौनपुर से विधायक बना के सूबे में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष और खेतासराय नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन वसीम साहब और गजराज यादव, दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है, जबकि एक युवा भी ले इन्होंने वैसी साहब पर भी जमकर हमला बोला कि वैसी साहब धर्म की राजनीति करते हैं जो बीजेपी को सूट करती है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे भी कहीं और कहीं